आज की इस तेजी से बदलते ग्लोबल वर्ल्ड में कंप्यूटर हमारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। आज शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहां पर कंप्यूटर से काम ना होता हो, और यदि हमें तेजी से ग्रो करना है तो हमें कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। लेकिन ये दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमें लगता है कि हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं है। जब भी हमें कंप्यूटर पर कोई फास्ट काम करना हो और यदि हमें एक एक लेटर को देखकर टाइप करना है, तब हमें ये चीज़ बड़ी फील होती कि काश हमें फास्ट टाइपिंग आती। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है उस टेक्निक को जिसके थ्रू आई गारंटी यू आप 3 दिनों में फास्ट टाइपिंग करने लग जाएंगे यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं उन टिप्स के पास जिनके थ्रू आप फास्ट टाइपिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 से 4 दिनों में। आइए चलते हैं। अच्छी टाइपिंग स्पीड से पहले जरूरी है सबसे पहला काम, और वो है नो योर कीबोर्ड। यानी कि आप स्पीड बनाने से पहले अपने कीबोर्ड को इतनी अच्छी तरीके से समझ लें कि आप उसका बिना देखे डायग्राम बना सकें। यह मेमोरी आपको टाइपिंग स्पीड में जबरदस्त हेल्प करेगी, क्योंकि याद रखें सही मायने में टाइप आपकी अंगुलियां नहीं बल्कि आपका दिमाग करता है। अंगुलियां तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। अगर आप ध्यान से कीबोर्ड को देखें तो पाएंगे कि कीबोर्ड की सारी कीज अलग अलग रोज में बटी हुई है। यदि हम अल्फाबेट्स को देखें तो ए से लेकर एल तक की यह रो होम रो कहलाती है, और Q से लेकर P तक की ये रो टॉप रो कहलाती है। उसी प्रकार Z से लेकर M तक की ये रो बॉटम रो कहलाती है। अब चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं उन टिप्स को जो आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारी सबसे पहली टिप है फ्रेंड्स, प्रॉपर पोस्चर। सबसे पहले आप कुर्सी पर अपनी पीठ को सीधा रखकर बैठें। किसी भी सूरत में आगे झुककर टाइप करने की कोशिश ना करें। अपनी आंखों और स्क्रीन के बीच कम से कम 45 से 70 सेंटीमीटर की दूरी को बनाए रखें। आपकी हथेली का अंत कीबोर्ड की सतह के अंत में होना चाहिए। हाँ, कभी कभार कलाई टेबल को छू सकती है। अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर सही ढंग से रखें। कभी भी अपनी उंगलियों या नाखूनों से लिखने की कोशिश ना करें, और ना ही कभी अपने शरीर का भार अपनी कलाई पर रखकर आराम करने की कोशिश करें। देखकर टाइप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वह खुद ब खुद बड़ी तेजी से अपने आप इसे सीख लेता है। टिप नंबर 2, फिंगर पोजिशंस। याद रखें फ्रेंड्स कि आप कीबोर्ड में चाहे कुछ भी टाइप करें, लेकिन आपकी उंगलियां घूम फिरकर वापस होम रो पर ही आ जाती है। इसीलिए हम इसे होम रो कहते हैं। याद रखें, होम रो में आपके लेफ्ट हैंड की उंगलियां ASDF पर रेस्ट करती है, और राइट हैंड की उंगलियां JKL और सेमी कॉलन पर रेस्ट करती है। पूरे कीबोर्ड में किसी भी बटन को दबाने के बाद उंगलियां अपने आप वापस इसी पोजीशन पे आ जाती है। अगर डिटेल को आप देखें तो आप पाएंगे कि आपकी लिटिल फिंगर A पर होती है, रिंग फिंगर S पर होती है, मिडिल फिंगर डी पर, और इंडेक्स फिंगर एफ और जी को टाइप करने के लिए फ्री रहती है। ठीक इसी तरीके से इंडेक्स फिंगर जे और एच को टाइप करने के लिए फ्री रहती है, मिडिल फिंगर के पर, रिंग फिंगर एल पर, और लिटिल फिंगर सेमीकॉलन पर होती है। आपने जरूर महसूस किया होगा कि कीबोर्ड में एफ और जे की पर कुछ उभरे हुए निशान होते हैं जो आपको बिना कीबोर्ड की तरफ देखे ये बताते हैं कि उंगलियां सही पोजीशन पे ही हैं। इसी तरह अगर आप टॉप रो और बॉटम रो की बात करें तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, जिसकी कलर कोडिंग से आपको पता लग जाएगा कि उसकी हर उंगली के लिए कीबोर्ड में एक खास की फिक्स है, और हर हाल में आपको उसी फिंगर से उसी की को प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर को देखें तो आप पाएंगे कि ये 1, Q, A और Z को टाइप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कुछ भी हो, इन कीज को लिटिल फिंगर से ही टाइप करना है। ठीक इसी तरीके से बाकी फिंगर्स के लिए भी यही प्रैक्टिस करें, और हाँ, स्पेस देने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल ही करना है। इस प्रकार की प्रैक्टिस के लिए हाथों की पोजीशन के पिक्चर्स आपको गूगल पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, और इस चीज की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिप नंबर 3, परफेक्ट प्रैक्टिस। आपने जरूर सुना होगा फ्रेंड्स कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ सही मेथड से की गई प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, अदरवाइज नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस सेंटेंस को, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसको बार बार टाइप करें। इस सेंटेंस की खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स A to Z आते हैं, जो आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। हालांकि आप शुरू शुरू में कुछ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको 0% एरर पे आना होगा, जो आपकी टाइपिंग परफेक्शन को बढ़ाएगा। याद रखिएगा, मैलकॉम ग्लैडवेल ने कहा था फ्रेंड्स कि किसी भी चीज को परफेक्ट होने के लिए आपको 10,000 घंटों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। टिप नंबर 4, टाइपिंग स्पीड। जब आप टाइप करते हैं फ्रेंड्स तो कीज को बिल्कुल भी ना देखें। अपनी उंगलियों को तब तक इधर उधर खिसकाएं जब तक कि वे होम रो में सही पोजीशन पे ना आ जाएं। अब जब आपने अभी अभी सीखना शुरू किया है तो जल्दबाजी ना करें। अपनी उंगलियों की स्पीड तभी बढ़ाएं जब उंगलियां सही की पर आने लगे। हमेशा आदत बनाइए कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं उसके अगले 2-3 शब्द पहले से दिमाग में स्कैन कर लें, ताकि देखने में आपका स्पीड खराब ना हो।
याद रखिए कि आपको हर की को बहुत ही लाइटली प्रेस करना है ताकि आपको बार बार जोर से दबाने में आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट ना हो। टिप नंबर 5, रियल टाइम प्रैक्टिस, मतलब कि आपको लाइव टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, जो कि आप ऑनलाइन चैट या अपने कमेंट्स के लाइव रिप्लाई देकर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल करें, टेक्स्ट मैसेज करें या किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी टाइपिंग स्पीड की एक्यूरेसी को बढ़ाएं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जिन शब्दों को वे अच्छे से टाइप कर लेते हैं उनको बड़ी तेज़ी से टाइप करते हैं और जो शब्द उनको कठिन लगते हैं वे धीरे धीरे टाइप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप कोशिश करें कि आप एक लय और रिदम में ही टाइप करें, ना कि अपनी टाइपिंग स्पीड को कम या ज़्यादा कर। तो अंत में फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि हिंदी की एक बहुत पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, मीन्स आप अभ्यास करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करें। आई गारंटी यू आपको 3 से 4 दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और भी रोचक वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मैसेज के रूप में अपने मोबाइल पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।